नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर 2024 दिन क्या भाई, वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाधपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या क्या बाजार चला। माल तो वैसे बिक लिए बोली में, कुछ माल व्यापारियों के जी। और दोस्तों आपको बता दूं, शर्मा जी राम राम जी, बढ़िया जी। हाँ जी दोस्तों, कल दोपहर बाद बरसात चालू हुई थी, जो शाम को 5-6 बजे तक बरसात चलती रही, अच्छी खासी बरसात थी जी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला लहसुन का। आज तो रास्ता ही नहीं अजय खुराना जी की दुकान पे जाने का, किधर से भी फुल हाउस फुल है जी। लो जी, पहली बार कट्टे के ऊपर से चढ़ के आना पड़ा, नहीं मैं कभी जूते लेके लहसुन के कट्टे पे ऊपर चढ़ता नहीं जी, कभी बैठता भी नहीं मैं, चाहे मेरा लहसुन का काम ना हो, पर लहसुन जो है मेरी भी रोजी रोटी है जी। चलिए जान लेंगे, पर अभी नहीं है जी, पिछले एक सवा साल हो गए काम खोया है लहसुन ने तो मेरा। और भाऊ जी राम राम जी, राणा जी क्या हाल है। आज तो सारा हाउस फुल है जी, इधर से भी उधर से भी हाउस फुल है जी, आने का भी रास्ता नहीं जी। मंडी में प्रेशर पूरा है, पंजाब हमारे यहाँ के आढ़तियों ने गलत रिपोर्टें दे दे के पंजाब मंगवाया। अच्छा जी, आज पंजाब के सारे किसानों को काटा जा रहा है। अच्छा जी, उल्टे सीधे बाल बेच रहे हैं ये जितने भी ड्राइवर हैं, अपने लालच में, कमीशनों के लालच में किसानों को मरवा दे। अच्छा जी, आप उन ड्राइवरों से पूछो जो ये 6-6 गाड़ी 8-8 गाड़ी दिल्ली में ला रहे हैं पंजाब की, कि आप क्या भाव बोल के लाए और क्या भाव बिकवा रहे हो। अभी एक सरदार जी आए पंजाब के, अभी आए पीछे दुकान पे उतरा है। हाँ जी, मोटा माल 210 का उनके पूरी गाड़ी उड़ा दी, मोटा माल। सोचे क्या लूट मचा रखी है यहाँ पे लोगों ने, कोई शर्म नहीं आती, किस चीज़ की लूट मचा रखी है। अच्छा जी, हाँ हमारी दुकान पे दो गाड़ी थी, हमने बेचा है, ये हमारे किसान बैठे हैं भाई साहब, ठीक बिक गया इनके माल, इज्जत से बिक भी गए। अच्छा, लेकिन जो दूसरे दुकानों में, ये बाऊजी की कल गाड़ी आई थी, हाँ जी कल दोपहर को गाड़ी आई, हमने कहा जी आराम से बेचो, अभी नहीं बेचना, सुबह बेचेंगे, खुद मैंने मना किया। बाऊजी सेटिस्फाइड हो, ठीक बिक गया, आज ये होता है आड़ती का रिवार्ड। अच्छा जी, कि अगर आपका व्यापारी कहता है, किसान कहता है मैं संतुष्ट हूँ, जबकि मार्केट टूटी है, 10-20 मार्केट टूटी हुई है दिल्ली, उसके बाद भी अगर किसान संतुष्ट है ना, ये आड़ती का रिवार्ड होता है। ठीक है जी जी, आज कितने आज जी क्या मार्केट रही पंजाब की कल में और आज पंजाब जी 6 गाड़ी आज पंजाब है। हाँ जी, और टोटल मिला के 14-15 गाड़ी है, कोई ज़्यादा आवक नहीं है, डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने ड्राइवरों के साथ दलाली मिला के, ड्राइवरों को ये दलाली देते हैं, उस लालच में ड्राइवर भर भर के ला रहे हैं गाड़ियाँ। ऐसे ड्राइवरों को किसान को पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई तुम जो भाव बोल के ला रहे हो वो भाव बिक क्यों नहीं रहा। ठीक है जी, ये जितने भी गाड़ी वाले हैं दलाली जो खा रहे हैं, उनको वहीं पर पकड़िए आप और पूछिए भाई क्यों नहीं बिक रहा, क्यों क्या भाव के लेके जा रहे हो और क्या भाव बिकवा रहे हो। ठीक है जी, ये गंद मचा रखा है इन्होंने पंजाब के, जो ये गाड़ियाँ आती हैं वहाँ के कुछ ड्राइवरों ने गंद मचा रखा है, दलाली के चक्कर में किसानों को मरवा रहे हैं। ठीक है जी, आज के वैसे और ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी दुकान पे नहीं है, मेरी दुकान पे पूरा है, उतारने की भी जगह नहीं है आपकी दुकान पे, तो क्या सिलेंडर तोड़ेंगे जी यहाँ का, नीचे बेसमेंट बैठ जाएंगे तो। मैं बोल रहा हूँ कि अपनी दुकान पे पूरा है, लेकिन गलत बात है तो गलत बात के लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है जी, अगर कहीं किसान के साथ नजायज हो रहा है तो हम चौड़े में बोलेंगे। ठीक है जी जी, आज के रेट क्या रहे जी पंजाब के। पंजाब जी मैंने तो ऊपर में क्या भी अपनी गाड़ी में उतरे 255, मैं 10-15 रुपये का फर्क है, माल ओवरलोड आया हुआ है इसलिए, और क्वालिटी भी कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, बढ़िया होती तो भी 280 आज बिकता। ठीक है जी जी, तो कहाँ से कहाँ तक के चले जी। नीचे में गोलियाँ तो आज वही भाव बिकी है, गोलियाँ तो वही भाव बिकी है, गोली में 180 से 210 रुपये बिकी है, गोली का वही रेट, वही रेट है, बीच के माल का वही रेट है, सिर्फ मोटे माल में थोड़ा सा फर्क आया हमारी दुकान पे। अच्छा, बाकी मंडी में गला कटिंग हो रहा है, पूरा गला कट रहा है। ठीक है जी, मोटे माल 200-210 के बेच रहे हैं, तो भैया ऐसे आड़तियों से सावधान रहो, ऐसे दलाल ड्राइवरों से सावधान रहो, जो आपको दिल्ली मंडी ला दें चल 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 बहुत बढ़िया भाव है, अगर वो ड्राइवर बोल रहा है बढ़िया भाव है और यहाँ आके बढ़िया भाव नहीं दिलवाता, पकड़िए उस ड्राइवर को आप कि भाई क्या बात है, फसल को हैं जी, गलत तो नहीं बोल रहा, फसल, हाँ
फसल उगाने में 6 महीना, फसल रोक के रखी 6 महीना, आप उसके बाद क्या पागल बना रहे हो क्या? बेचने में उल्टा उल्टा सीधा बिकवा दोगे क्या जी? बाकी माहौल में हल्की सी पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन हो रखी है चाइना के मालों को लेके। भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि बारिशें बहुत हो रही हैं प्रोडक्शन मंडियों में, कहीं भी नया लहसुन जिन्होंने लगाया, अभी अभी हमारे एमपी से आए हैं पिपलिया से तो इनके पूरे इलाका जो उधर का इलाका है वहाँ ऊटी लहसुन बोया जाता है जो अगेती फसल कह जाती है। भाई साहब कितना बोया गया माल अभी तक? 25% लगा दिया। क्या ये जितनी बारिशें हो रही हैं इससे आपको लगता है ये पनप जाएगा? नहीं, खत्म हो जाएगा। तो जो माल नुकसान होगा और जो माल हमने जल्दी लगाया था इन लोगों ने इसलिए कि इसका जो फसल है वो दिसंबर 15 के आसपास निकल जाएगी, यही सोच के लगाया था। लेकिन वो फसल जिस हिसाब से बारिशें हो रही है बीज खराब होगा, दोबारा बीज भी लगता है तो भी 15 से 20 जनवरी से माल पहले नहीं आएंगे, तो हमारे पास 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। तो आप ये ध्यान रखें, बिना घबराहट के निकालें, ज़्यादा घबराहट हो रही है आराम से जाओ, कोई सावरिया जी जाओ, मत्था टेकाओ, कोई जो जिस भगवान को जाता है वहाँ चले जाओ, ठीक है जी। हमारे को अभी वो कटिंग कहने की ज़रूरत नहीं, अभी हमारे पास समय है। और ये जितने भी विदेशी माल वाले चाह रहे हैं आप लोग घबरा करके माल बेच दो, आने वाला 2 महीना बहुत लंबी तेजी का जाएगा, उसमें आप लोग सब पछताएंगे, ठीक है जी। लास्ट में, लास्ट का 2 महीना जो लोग मध्य में समझ रहे थे वो अच्छा तेज जाएगा, ठीक है जी। हमने उसके लिए भी नहीं रुकना, लेकिन हमने घबरा के नहीं बेचना, धीरे धीरे करके बेचते चलिए, हमने घबरा के नहीं बेचना। आज तसला क्या है? और जिसको घबराहट हो रही है जी, आराम से जाओ अपने अपने भगवान जी पे, अपने अपने गुरु लोगों पे मिल गया। आज वैसे ही शिक्षक दिवस है, जो जो भी हमारे गुरु जिन्होंने हमारे को क्षमता दी लोगों का भला करने की, उनको प्रणाम। और उन गुरुओं को भी, इस समाज के गुरुओं को भी जो हमारे दुश्मन बन गए, जिन्होंने हमारे को सीख दी कई चीज़ों की, उनको भी भैया प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ, सबसे बड़े वो भी तो गुरु ही है जी, आदि योगी गुरु जो है भगवान भोलेनाथ जी है, वो तो गुरु सर, उनको तो यहाँ के समाज के गुरुओं से मिलाना ही पाप है, ठीक है जी। वो तो बात ये लगे, वो तो भगवान है सर, ठीक है जी। जी तो ये तसला कहेंगे लेकर बैठे जी आज आप कुर्सी पे, वो सीट पे आप बैठे हो मेज पे, क्या करें, मैं तसला लेके बैठा हूँ, यहाँ बैठने की जगह ही नहीं, माली इतने जी सारे। वो सुपर शंकर को चेक कर रहा था, अच्छा कौन सा सुपर शंकर है कौन सा नहीं है, अच्छा जी। क्योंकि अभी हो गया है, कई लोग हरियाणा के भी कई लोग शंकर को सुपर शंकर बना के बेच रहे हैं, जो कहीं डायरेक्ट जा रहे हैं वहाँ पे बेचारे नुकसान खा के आ रहे हैं, धोखा खा के आ रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे मैं एक एक लाट खुद चेक करता हूँ, जो सुपर शंकर है वही बेचूँगा, ये सब सुपर शंकर के लिए आए हैं, अच्छा। किसी को भी अभी तक ये नहीं कहा कि ये वाला लो, ठीक है भाई साहब, बोला थे नहीं कौन सा लो, मैंने एक ही बात बोली, मैं पहले चेक करूँगा, मेरे को जो समझ आएगा मैं वो बोलूँगा, आप लीजिए। चलो करो जी, अब चेक तो कर दो। आप भी मेरी परीक्षा लेने के लिए बैठ गए, ये फोड़ के तो गिर दिया, बताओ ये तो करो ना जी, ये सुपर शंकर नहीं है, ये सुपर शंकर नहीं है। अच्छा। ला भाई खोल इसको, लाट को, ये कली है, मुड़ रही है सर। अच्छा, ये चपटी कली है, ये मुड़ी हुई चांद बन रहा जिनका, ये देख रहे हैं आप, ये सुपर शंकर नहीं है। अच्छा, छोटी कली भी निकल आई, ठीक है जी। इसको पहले हटा, अब पहचान बता दो जी फिर। तो ये देख रहे हैं, हाँ जी, ये डंडी के साथ की भी कलियां लंबी हैं। अच्छा जी, ये आपको भी वहां पे हरियाणा हॉर्टिकल्चर में भी ये बात बताई गई थी, हाँ जी, आपने पूछी थी ये बात, ठीक है, वहाँ भी यही बात बताई गई थी ना जी किसानों ने कि सुपर शंकर कौन सा होता है और शंकर कौन सा है। इसकी सबसे पहली खासियत क्या है, हाँ जी, जैसे आप अखरोट तोड़ रहे होते हैं कच्चा वाला, हाँ जी, वैसे ही ये टूटता है सिर्फ दबाने भर से, कागजी अखरोट, हाँ, ठीक है। अब ये देखिए इसकी आप देख रहे हैं नंडियाँ सारी लंबी है जी, ये देख रहे अंदर तक लंबी है, ठीक है जी, ये बिल्कुल लेंथ लंबी निकलेगी, इसमें एक भी दाना छोटा नहीं है, ठीक है जी।
मुड़ी ही नहीं है जी। ठीक है जी, ये सुपर शंकर है जी। तो सर या तो ओपन बताते हैं, अपने को कोई लालच नहीं है और कोई अपने को वो नहीं है। देखिए ये अंदर की दिखा दो डंडी, ये अंदर की तो दिखा दो डंडी के साथ की। ये देखो ना, ये सारी डंडी के साथ की कलियां बड़ी है। ठीक है जी, ये पहचान है जी शंकर और सुपर शंकर की। आप कहीं से भी लें, कोई ये नहीं कि जितेंद्र खुराना दे दे तो वही बढ़िया होगा। ये बार बार समझाया ही इसलिए जाता है इंटरव्यू पे, बार बार ये दिखाया जाता है कि भाई ये सुपर शंकर है, वो शंकर है, अपना कहीं से भी लो, देख के सोच समझ के लो। ठीक है जी। जी तो आज के रेट जी इसके? हर क्वालिटी क्वालिटी के हिसाब से भाव है जी। अच्छा, तो जो जहाँ आएगा वो उस हिसाब। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। हिमाचल के भी रेट टूटे, हिमाचल के बरकरार है? हिमाचल में भाजी घबरा गए तो टूटे हुए हैं। बार बार मैं हिमाचल और कश्मीर वालों को बोल रहा हूँ, कश्मीर वालों पे तो देखो, एक पे होता है चांदी, एक पे होता है सोना, एक पे होता है हीरा, और एक पे होता है प्लेटिनम, है ना? प्लेटिनम ही कहते हैं ना जी। हाँ हाँ, सोने डायमंड से भी महंगा, डायमंड से भी जो महंगा होता है। तो कश्मीर वालों के हाथ में प्लेटिनम, ठीक है जी, इनके हाथ में हीरा हिमाचल के, हिमाचल वालों के, क्योंकि ये दो लोग हैं जो चाइना की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ठीक है जी, कश्मीर बीच के लिए उसका माल जाएगा, किसी पे भी कश्मीर का एक दाना भी पड़ा हो आराम से बेचना, घबरा के नहीं बेचना, आपका सारा माल बीच में जाएगा। कहीं आपको लग रहा नहीं बिक रहा, यहाँ भेज देना, बीच में मेरे पे फुल डिमांड है। ठीक है जी, बीज सिर्फ इसका उत्तराखंड और हिमाचल में ही लगेगा? हाँ, और कश्मीर में लगेगा। और हिमाचल वाले भाई साहब, आप पे वो शक्ति है जो एंड तक चाइना को लपेट सकती है। ठीक है जी, है ना? तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये नहीं देखो कि वो 230 का 40 का बिक रहा है चोरी वाला माल या स्मगल्ड माल, तो हाँ उसको अपने से मिलाओ। तो ये ध्यान रखना, उसकी रीढ़ की हड्डी अकेले आप ही हो जो तोड़ सकते हो, और तोड़ पाएंगे हम, चिंता नहीं करिए। बहुत अच्छे लेवल तक बातचीत है, हो रही है, कार्रवाई हो रही है। यूपी के CM साहब सख्त हो चुके हैं, उन्होंने एक दो जगह धरपकड़ भी की है, तो आप देखिए इस पर असर हो रहा है। ठीक है, घबराइए नहीं, सब चौकस हो जाओ। हर मंडी में जो भी किसान और व्यापारी है, जिसको मंडी, जिस मंडी में दिखता है चाइना माल है, आप वहाँ पे शिकायत करें, वहीं पे पुलिस को कॉल करें, हाथ के हाथ उस माल को पकड़वाएं। ठीक है जी। सब कह रहे हैं हमारे को माल पकड़वाइए, हर राज्य की पुलिस कह रही है आप हमारे को बताओ, हम माल पकड़ेंगे। ठीक है, हर राज्य की, साथ में जो देश के दुश्मन हैं, जो ये माल को सपोर्ट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, सब भाइयों से अपील है चौड़े में, उन लोगों से सावधान हो, उन लोगों पे माल ना भेजो। ठीक है जी, तभी आप लोग इस चीज़ को इस देश से भगा पाओगे, नहीं तो भगा नहीं पाओगे आप। ये ध्यान रखना, जब कमाई का टाइम होगा, ये बाहर का माल आपके सर पे चढ़ के तांडव मचाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर है, अपनी और अपने बच्चों की भलाई कहीं नहीं है, सख्त हो जाइए। और आपने सोचना है बच्चे तो ऐसे ही हैं, पल जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, तो भैया तुम्हारा भगवान भला करे। ठीक है, मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं तो बोलूँगा। हो सकता है कि अगर भी कुछ प्लानिंग हो रही है, अगर हुई तो मैं बताऊँगा, वहाँ भी चलेंगे। ठीक है, इसी के लिए, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ चाइना लसन के लिए ही कहीं प्लानिंग हो रही है, वहाँ अगर मेरी मीटिंग फिक्स हो गई तो मैं वहाँ जाऊँगा और सबको लेके चलूँगा। ठीक है जी। जी चलिए, धन्यवाद भाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। इस टाइम पे हो जाएगा। और इसकी कितने दिन की फसल है? 160 सप्ताह। 160 सप्ताह। डायमंड सिल्वर होती है वो?